मध्य प्रदेश के सागर संभाग के दमोह जिले की कोतवाली थाना क्षेत्र अंतर्गत कसाई मंडी इलाके की अस्थायी चौकी में तैनात सागर के केसली निवासी एक आरक्षक की बदमाशों ने हत्या कर दी। यह पूरी घटना शुक्रवार देर रात होना बताई जा रही है, जिसमें पुलिस ने चार आरोपियों की शिनाख्त कर ली है। बताया जा रहा है कि शराब के नशे में धुत बदमाशों ने पहले जवान के साथ मारपीट की और फिर पत्थरों से हमला कर दिया, जिससे वह लहूलुहान हो गया। जहां तत्काल ही अन्य पुलिस जवान उसे लेकर जिला अस्पताल पहुंचे, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। अब अंग्रेजी बोलना हुआ और भी आसान, चित्रांश कोचिंग क्लासेस के साथ सभी बोर्ड परीक्षाओं की तैयारी के लिए आज ही से ज्वाइन करें चित्रांश कोचिंग क्लासेस। पता बीएस जैन बंगले के पास, मोतीनगर सागर। मामले में जानकारी देते हुए एसपी डीआर तैनिवार ने बताया कि कोतवाली क्षेत्र के कसाई मंडी इलाके में पुलिस एसएफ 10 बटालियन की चौकी है। बीती रात चौकी में तैनात 35 वर्षीय आरक्षक सुरेंद्र सिंह निवासी केसली ग्राम मरामधा जिला सागर की मौत हो गई। साथ ही वारदात को अंजाम देने वाले बदमाशों की तलाश की जा रही है, जिनमें से चार बदमाशों की पुलिस ने शिनाख्त कर ली है। बताया जा रहा है कि चौकी के बाहर ऑटो में बैठकर शराब पी रहे चार बदमाशों को मना करने पर बदमाशों ने आरक्षक सुरेंद्र सिंह के साथ मारपीट की और फिर पत्थर से हमला कर दिया, जिससे आरक्षक बुरी तरह जख्मी हो गया। तत्काल ही आसपास मौजूद लोग उसे लेकर जिला अस्पताल पहुंचे, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। आरक्षक की मौत से सागर के केसली के मरामधा गांव में मातम पसरा हुआ है। आरक्षक के पैतृक गाँव में आज राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार किया जाएगा। जो मुख्यालय इसका गार्ड हमने परमांड कसाई मंडी में लगा रखा था। ये गार्ड के जो सारे कर्मचारी ने शाम को मतलब जो है खाना खाया, खाना खाने के बाद ये बाहर या तो किसी काम से आया होगा, तो उसका जो है वो घायल अवस्था में पड़ा मिला। पड़ोस में मैडम पार्षद रहती है, तो इनको सबसे पहले सूचना दी थी, इन्होंने हमें सूचना दी, पुलिस को सूचना दी है कि कोई कर्मचारी आपका पड़ा मिला है। कैसे घटना क्या हुई है अभी डिटेल मालूम नहीं है। हमने तुरंत बाज मोबाइल भेज करके उसको जिला चिकित्सालय लाया गया, यहाँ पर जो है इसकी डेथ हो गई है। क्योंकि घटना गंभीर है, अभी मैंने डेड बॉडी देखी है, शव निरीक्षण किया, तो सर में एक चोट है। अब वो चोट कैसे किस आई है, ये जब तक कोई आई विटनेस नहीं मिलता है, जब तक सारी स्थिति स्पष्ट नहीं हो जाती है। घटना दुखद है, पुलिस कर्मचारी है जिसकी डेथ हुई है, हम गंभीरता से इसको ले रहे हैं और अभी आसपास मौका निरीक्षण करेंगे, आसपास लोगों से पूछताछ करेंगे, सारी स्थिति क्लियर हो जाएगी कि ये चोट कैसे आई, पत्थर से आई है या किसी को मारने से। हाँ, अभी तक तो क्लियर, अभी तो यही है कि जो घायल अवस्था में आरक्षक मिला है और इसको अस्पताल लाया है, अभी डेथ हुई, अभी जस्ट थोड़ी देर पहले की घटना है, अभी सारी स्थिति क्लियर हो जाएगी, जांच की जाएगी। ये कौन सा एरिया है? ये कसे मंडी इलाके जहाँ पर गार्ड लगी हुई थी। बहरहाल मध्य प्रदेश में कानून व्यवस्था लड़खड़ाती जा रही है। आलम यह है कि अब बदमाशों के जहन से पुलिस का खौफ मानो खत्म होता जा रहा है और अब बदमाश पुलिस जवानों की हत्या करने से भी बाज नहीं आ रहे। दमोह से नरेंद्र आठिया के साथ केसली से योगेश विश्वकर्मा, सागर एक्सप्रेस न्यूज।